हूँ। सो गाइस, आज मैं करने वाली हूँ हिना खान मेकअप लुक। हिना खान ने बहुत ही नेचुरल और सिंपल मेकअप किया है और कुछ इस तरीके से उन्होंने ड्रेस पहना है, तो कलर तो सेम मिल रहा है। उन्होंने ऐसे ही कुछ चिकनकारी कुर्ती पहनी हुई है और ऑक्सीडाइज सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर कलर का उन्होंने झुमका पैर किया है इस ड्रेस के साथ, तो मैं भी उसी से कुछ मिलता जुलता वो करूँगी। तो आज मैं उन्हीं का मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, तो आई होप कि आप सबको अच्छा लगे। और चलिए देखते हैं कि मैं क्रिएट कर पाती हूँ कि नहीं, कुछ हद तक उनसे मिलता जुलता मेकअप लुक। तो चलिए ये ट्राई करते हैं। तो मैंने अच्छे से फेस को क्लीन कर लिया है, देन उसके बाद गाइस मैं यहाँ से वॉइस ओवर करूँगी। और मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर स्प्रे कर लिया है और इसको मैं डैप डैप करके ड्राई कर लूँगी। और मैं उसके बाद यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जॉय का 10 रुपए वाला फ्रूट क्रीम। और आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज कर सकते हैं जो आपको सूट करता हो। और ये 10 वाला मॉइस्चराइज़र फ्रूट क्रीम जॉय का बहुत ही अच्छा है। अगर आप बजट में लेना चाहते हैं तो ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं आप। तो इसके उसको लगाने के बाद फिर मैं छोड़ दूँगी, देन उसके बाद मैं फेस टेक का प्राइमर लिया है मैंने और अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। तो ये हमारे ओपन पोर्स को क्लोज करता है और हमारे फेस को एकदम सपल बनाता है स्किन को, जिससे कि हमारा फाउंडेशन या जो भी कुछ लगाएं वो अच्छे से ब्लेंड हो सके और अच्छी फिनिशिंग आए। और देन उसके बाद मैं यहाँ पे ओलिवा का फाइन स्टिक यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा कवरेज देता है गाइस। तो आप चाहे तो शादी या पार्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर नेचुरल भी रखना चाहते तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा लगाएंगे तो बहुत नेचुरल लुक देता है, बहुत ही अच्छा है। आप चाहे जैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और मैंने फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड किया है। और देन उसके बाद मैं एक पाउडर लेके उसे अच्छे से सेट कर लूँगी। गाइस सब अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। और मैं यहाँ पे परसोनी का फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मैंने जस्ट ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा, अच्छा पाउडर है। तो और देन उसके बाद मैं अपना यहाँ पे आईब्रो फिल करूँगी एक काजल की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से। मैंने हल्का सा काजल लेकर के अपने आईब्रो को सेट किया है और इतना सेट किया कि जिससे कि ओवर ना लगे। और हिना खान ने बहुत ही लाइट मेकअप किया है, पिंक है, ग्लोई लग रहा है उनका फेस। तो मैं यहाँ पे लिपस्टिक से ही मैं एज अ आई शेडो एंड ब्लश यूज करूँगी और थोड़ा थोड़ा मैं आँखों के नीचे भी लगा लूँगी जिससे अच्छा लुक आए। और मैंने यहाँ पे काजल लगा लिया है और काजल से मैंने एज अ हल्का सा आई लाइनर लगाया है। उन्होंने आई लाइनर तो नहीं लगाया, मैंने काजल से हल्का सा ऊपर लगाया है। और देन उसके बाद मस्कारा लगाया, फेस टेक का ही मस्कारा। उसके बाद हाइलाइटर लगाने के बाद यहाँ पे मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया। मैंने कुछ इस तरीके से ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पेयर किया है और कुछ मिलता जुलता तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा हो गाइस। अगर अच्छा ज़रा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे भी सपोर्ट करिए गाइस। आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिए। आप व्हाट्सअप फेसबुक सब जगह वीडियो को शेयर करिए। तो बताइए आप सबको कैसा लगा ये।